हेलो दोस्तों, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हाइपोनेट्रीमिया के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने सोडियम इम्बैलेंसेस को देखा था कि सोडियम इम्बैलेंस में दो डिजीज़ आते हैं। सबसे पहला है हमारा हाइपोनेट्रीमिया और दूसरा था हाइपरनेट्रीमिया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हाइपोनेट्रीमिया के बारे में। अब सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को देख लें कि हाइपोनेट्रीमिया क्या होती है। आइए ब्लैक बोर्ड पे देखते हैं। हाइपोनेट्रीमिया एक मेटाबॉलिक कंडीशन है, यानी कि ये बॉडी में होने वाला फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें इनफ सोडियम बॉडी में नहीं होती है। सोडियम की अमाउंट जितनी होनी चाहिए बॉडी में उतनी अमाउंट नहीं होती है, उससे कम हो जाती है। और वो सोडियम की अमाउंट कहाँ पे कम होती है? फॉर एग्जांपल, ये अगर आपका सेल है तो सेल के अंदर की जो फ्लूइड है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, उसमें सोडियम की अमाउंट कम नहीं होगी। सेल के बाहर की जो फ्लूइड है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, उसमें सोडियम की अमाउंट कम हो जाएगी। तो यही लिखा हुआ है कि हाइपोनेट्रीमिया इज़ अ मेटाबॉलिक कंडीशन इन विच देयर इज़ नॉट इनफ सोडियम, जिसमें सोडियम की अमाउंट इनफ नहीं होती है जितनी होनी चाहिए इन द बॉडी फ्लूइड, बॉडी के फ्लूइड में, आउटसाइड दिस सेल, सेल के बाहर जो होती है उसमें सोडियम की जो अमाउंट होती है वो जितनी होनी चाहिए बॉडी में उतनी नहीं होती है। कहाँ पर नहीं होती है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। डेफिनेशन आप समझ गए। उसके बाद हाइपोनेट्रीमिया में क्या होती है? हाइपोनेट्रीमिया में सोडियम की लेवल जो है वो नॉर्मल से कम हो जाती है। मैंने आपको बताया था कि सोडियम की लेवल कितनी होनी चाहिए, 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होनी चाहिए। इससे कम हो जाती है तो हाइपोनेट्रीमिया हो सकती है। उसके बाद है कि हाइपोनेट्रीमिया के टाइप्स क्या क्या होते हैं। हाइपोनेट्रीमिया के टाइप्स में सबसे पहला टाइप है यूवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया, दूसरा है हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया और तीसरा है हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। अब हम बारी बारी से इन सभी को देखते हैं। यूवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया में क्या होगी? यूवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया में बॉडी में जो वाटर है उसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी और जो सोडियम है वो सेम रहेगी जितनी उसकी अमाउंट है। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि टोटल बॉडी वाटर इंक्रीजेस बट सोडियम कॉन्टेंट रिमेन्स द सेम, सोडियम का जो कॉन्टेंट है वो सेम रहेगा। अब सोडियम की कॉन्टेंट कितनी होनी चाहिए बॉडी में? 135 से लेकर के 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होनी चाहिए। इसका मतलब है कि सोडियम के जो कॉन्टेंट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगी लेकिन वाटर इंक्रीज कर जाएगा, उस कंडीशन को हम यूवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं। ठीक है, इस कंडीशन का कारण क्या हो सकती है? ये कंडीशन अगर आप क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन से गुजर रहे हैं तो उस कंडीशन में हो सकती है। बहुत घातक बीमारी से अगर आप लंबे समय तक लड़ रहे हैं तो उस कंडीशन में ये यूवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया हो सकती है। दूसरा है कैंसर के पेशेंट को हो सकती है और कुछ मेडिकेशंस इंटेक करने के कारण, यानी कुछ मेडिकेशंस लेने के कारण हो सकती है। दूसरा हम पढ़ेंगे हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। इस कंडीशन में क्या होती है? इस कंडीशन में सोडियम और वाटर दोनों इंक्रीज़ करते हैं, यानी कि सोडियम का भी लेवल इम्बैलेंस होता है और वाटर भी बॉडी में इंक्रीज़ करती है, यानी कि वाटर का भी जो अमाउंट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा और वाटर इम्बैलेंस जैसी कंडीशन आ जाएगी। सोडियम और वाटर दोनों इंक्रीज़ करते हैं लेकिन वाटर ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। दोनों का लेवल इंक्रीज़ होता है लेकिन वाटर के इंक्रीज़ होने से क्या होगी? सोडियम की डाइल्यूशन हो जाएगी, सोडियम का जो कॉन्टेंट है वो वाटर में डाइल्यूट कर जाएगा, जिसके कारण सोडियम की जो अमाउंट है वो लो हो जाएगी वाटर से और वाटर का कंटेंट ज्यादा हो जाएगा। इसमें हम ध्यान रखेंगे कि सोडियम और वाटर दोनों इंक्रीज करते हैं लेकिन ज्यादा इंक्रीजमेंट किसकी होती है? ज्यादा इंक्रीजमेंट वाटर की होती है। अब ये किस कारण से हो सकती है? किडनी, हार्ट या फिर लीवर फेलियर। अगर आपकी किडनी फेल कर गई हो, अगर आपका हार्ट फेलियर का कंडीशन है या फिर लीवर फेलियर का कंडीशन है तो उस कंडीशन में हमें हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया होने के चांसेस होते हैं। तीसरा, हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया क्या होती है? इस कंडीशन में वाटर और सोडियम दोनों बॉडी से लॉस होते हैं, यानी कि वाटर और सोडियम दोनों का बॉडी से लॉस होता है, दोनों बॉडी से ख़त्म होते हैं। अब लेकिन सोडियम की जो लॉस है वो ज़्यादा होगी। पहले वाले में हमने पढ़ा था कि वाटर और सोडियम, यानी कि हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया में वाटर और सोडियम दोनों का अमाउंट बढ़ेगा लेकिन वाटर की अमाउंट ज़्यादा होगी। इसमें क्या होगी? हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया में सोडियम
कि लॉस जो होगी वो ज़्यादा होगी वाटर के अकॉर्डिंग, लेकिन वाटर और सोडियम दोनों साथ में ही लॉस होंगे बॉडी से। इसके एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइज अगर हम हीट में करते हैं, यानी कि अगर हम बहुत गर्म जगह पर एक्सरसाइज करते हैं विदाउट टेकिंग, यानी कि विदाउट टेकिंग या फिर विदाउट रिप्लेनिशिंग फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट, अगर हम कुछ ड्रिंक्स में फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स को नहीं लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को नहीं लेते हैं ड्रिंक में, तो फिर क्या होगी, तो फिर हम किसके शिकार होंगे, हम हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया के शिकार होंगे। यहाँ पे रिप्लेनिशिंग का मतलब होता है भरपाई, यानी कि भरपाई, अगर हम बॉडी में फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट की भरपाई नहीं कर पाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया होगी। किस टाइम में, जब हम हीट में एक्सरसाइज करेंगे उस टाइम में। हाइपोनेट्रीमिया के हम कॉजेज को देख लेते हैं, कॉजेज क्या क्या होते हैं। सबसे पहला कॉज है कंज्यूमिंग एक्सेसिव वाटर ड्यूरिंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के टाइम में अगर हम ज़्यादा वाटर को कंज्यूम कर लेंगे तो उस कंडीशन में भी हाइपोनेट्रीमिया हो सकती है। मैंने आपको टाइप्स बताया है, उन तीनों टाइप्स में से कोई एक हाइपोनेट्रीमिया हो सकती है। दूसरा है हार्मोनल चेंजेस ड्यू टू एड्रिनल ग्लैंड। अब एड्रिनल ग्लैंड की वजह से हाइपोनेट्रीमिया क्यों होगी, हम जानते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है, कॉर्टिसोल। क्या प्रोड्यूस करता है, कॉर्टिसोल। अगर ये लंबे समय तक कॉर्टिसोल को प्रोड्यूस नहीं करता है, या फिर कभी कभी एल्डोस्टेरोन को भी ये प्रोड्यूस करना बंद कर देता है, उस कंडीशन में क्या होती है, हार्मोनल चेंजेस होती है, जिसके कारण हार्मोन्स की इनसफिशिएंसी बॉडी में डिवेलप होती है। जब वो हो जाती है तो क्या होती है, उसको हम एडिसन्स डिजीज़ बोलते हैं। उस कंडीशन को हम एडिसन्स डिजीज़ बोलते हैं। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें आपकी लो बीपी, लो शुगर हो जाएगी और हाई लेवल ऑफ पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट है पोटेशियम, हाई लेवल ऑफ पोटेशियम हो जाएगी बॉडी में। तो उस कंडीशन में क्या होगी, उस कंडीशन में भी हाइपोनेट्रीमिया हो सकती है। उसके बाद है कि हार्मोनल चेंजेस ड्यू टू अंडर एक्टिव थायरॉयड, यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होती है कि थायरॉयड ग्लैंड जो है वो थायरॉयड हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं करती है, उस कंडीशन में भी हाइपोनेट्रीमिया हो सकती है। उसके बाद ये प्राइमरी पॉलीडिप्सिया, प्राइमरी पॉलीडिप्सिया में क्या होती है कि टिश्यू में फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है, इसके कारण सोडियम का जो लेवल है वो कम हो जाता है और उस कंडीशन में हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगी। उसके बाद है नथिंग बाय माउथ, यानी कि NPO, मैं यहां लिख देती हूं NPO, नील पर ओरल, ठीक है, नील पर ओरल। अगर हम मुंह से फ्लूइड का इंटेक नहीं करेंगे तो क्या होगी, हमारे बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होगी, जिसके कारण क्या हो सकती है, हाइपोनेट्रीमिया। सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इस कंडीशन में क्या होती है, इस कंडीशन में बॉडी में एक्सेसिव वाटर की रिटेंशन हो जाती है, जिसके कारण हाइपोनेट्रीमिया हो सकती है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन के क्या क्या फंक्शन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन बॉडी में फ्लूइड का रिटेंशन करने का काम करती है। ये तब रिलीज होती है पिट्यूटरी ग्लैंड से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, जब बॉडी में फ्लूइड हम कम इनटेक करते हैं, यानी कि हम अगर हम कम पानी पिएंगे तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज होगी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, और फिर क्या होगी, बॉडी में जो फ्लूइड बैलेंस है उसको वो मेंटेन करती है। लेकिन इसी में अगर सिंड्रोम हो जाए तो क्या होगी, अगर इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक सिंड्रोम हो जाए तो बॉडी में एक्सेसिव फ्लूइड का रिटेंशन हो जाएगी, ये एक्सेसिव बॉडी में रिलीज होने लगेगी, जिसके कारण सिंड्रोम हो सकती है, उस कंडीशन में हाइपोनेट्रीमिया हो सकती है। सर्टेन मेडिकेशंस लेने के कारण भी हाइपोनेट्रीमिया हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल डाई यूरेटिक्स क्या करवाती है, अगर हम किसी पेशेंट को डाई यूरेटिक देते हैं तो उस पेशेंट में बार बार यूरिनेशन होती है, बार बार वो यूरिन को पास करती है, तो इस कंडीशन में अगर हम डाई यूरेटिक्स ज़्यादा यूज़ कर देंगे तो क्या होगी, उसके बॉडी में जो फ्लूइड है उसकी कमी हो जाएगी और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगी, जिसके कारण हाइपोनेट्रीमिया होगी। एंटी डिप्रेसेंट्स यानी कि डिप्रेशन के जो मेडिसिन होते हैं उसके कारण भी होती है, पेन मेडिकेशंस के कारण भी हाइपोनेट्रीमिया होती है। तीसरा कॉज है हमारा क्रॉनिक सीवियर वॉमिटिंग और डायरिया। अगर लंबे समय तक बहुत सीवियर वॉमिटिंग और डायरिया पेशेंट को रहती है तो हाइपोनेट्रीमिया के केसेस होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वॉमिटिंग और डायरिया में क्या होती है, फ्लूइड बॉडी से बाहर निकल जाती है, जिसके कारण बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो सकती है। डिहाइड्रेशन एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, डिहाइड्रेशन के केस में ऑटोमेटिक है कि अगर बॉडी में फ्लूइड का अगर इंबैलेंस होगा तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रोलाइट का भी इंबैलेंस हो जाएगा। और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, अगर ब्लड ही सही से हार्ट पंप नहीं कर पाएगी तो क्या होगा कि बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाएगी, जिसके कारण हाइपोनेट्रीमिया हो सकती है।
लो सोडियम डाइट अगर हम लेंगे और हाई वाटर लेंगे उस कंडीशन में भी हाइपरनेट्रीमिया हो जाएगी। सिरोसिस ऑफ लीवर, अगर लीवर के टिश्यू का अगर डेथ होगा तो उस कंडीशन में भी इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड में इम्बैलेंसेस क्रिएट होगी जिसके कारण हाइपरनेट्रीमिया होगी। किडनी फेलियर और किडनी डिजीज, जाहिर सी बात है कि बॉडी में फ्लूइड का जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फ्लूइड बैलेंस का वो किडनी है, तो अगर किडनी फेल कर गया हो या फिर किडनी में कोई डिजीज हो तो हाइपरनेट्रीमिया ऑटोमेटिकली होगी ही। बर्न्स, अगर कोई पेशेंट जल जाता है तो उस कंडीशन में भी बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो जाती है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाती है जिसके कारण हाइपोनेट्रीमिया हो सकती है। क्या होगी? हाइपोनेट्रीमिया हो सकती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात अब हम करेंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होती है? साइन एंड सिम्टम, ठीक है। तो साइन एंड सिम्टम क्या क्या होंगे हाइपोनेट्रीमिया के, तो आइए हम देख लेते हैं। पहला कि पेशेंट को फिटीग होगी, रेस्टलेसनेस होगी और इरिटेबिलिटी होगी। फिटीग मीन्स थकावट होगी, रेस्टलेसनेस मीन्स उसको बेचैनी होगी और उसका मूड स्विंग करता रहेगा, क्यों? क्योंकि उसको इरिटेशन हो रही है, ठीक है। उसके बाद मसल ट्विचिंग होगी, मसल ट्विचिंग मीन्स मसल्स में उसको खिंचावट महसूस होगी और वीकनेस होगी पेशेंट को। हाइपरटेंशन होगी, ब्लड का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और टैकीकार्डिया मींस हार्ट रेट पेशेंट की ज्यादा होगी। नौजिया, वॉमिटिंग और एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे। ये क्यों होंगे? क्योंकि एडिमा हो जाएगी। एडिमा में क्या होती है कि फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाती है तो इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंसेस हो जाएगा वहाँ पे, तो नौजिया, वॉमिटिंग और एब्डोमिनल क्रैम्प होंगे ड्यू टू एडिमा। ओलिग्यूरिया और एनुयूरिया क्या होती है? ओलिग्यूरिया और एनुयूरिया के कारण भी पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया हो सकती है। ये क्यों होती है? ये किडनी डिसफंक्शन के कारण होती है, यानी कि रीनल डिसफंक्शन के कारण होती है। डिफरेंसेस क्या हो गई ओलिग्यूरिया में और एनयूरिया में? ओलिग्यूरिया में क्या होगा कि पेशेंट अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, पेशेंट अगर 400 ml से 24 आवर्स में 400 ml से कम 400 ml से कम अगर कोई पेशेंट है और वो यूरिन को सिक्रीट कर रहा है तो वो किस कंडीशन से वहाँ पे वो किस कंडीशन से ग्रसित है? ओलिग्यूरिया में कंडीशन से। और अगर पेशेंट 24 आवर्स में 100 ml से पेशेंट अगर कम यूरिन को सिक्रीट कर रहा है तो उस पेशेंट में एनयूरिया होगी, ठीक है। इसमें 400 और इसमें 100, ठीक है। और ये 24 आवर में इससे कम सिक्रीट करती है और 12 आवर में 0 सिक्रीट करती है एनयूरिया में, तो इस कंडीशन में भी हाइपोनेट्रीमिया हो सकती है क्योंकि किडनी उसकी सही से काम नहीं कर रही है। लिथार्जी मीन्स कमजोरी हो जाएगी पेशेंट को, कन्फ्यूजन में रहेगी और सीजर्स में झटके उसको पड़ेंगे। स्टूपर मीन्स क्या होती है कि बेहोशी की हालत में रहेगी या फिर वो कोमा में डायरेक्ट चला जाएगा पेशेंट। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी में, उसके माइंड में क्या हो गई है? अल्टर्ड न्यूरोट्रांसमिशन के कारण ये सभी चीज़ें होंगी। अब अल्टर्ड न्यूरोट्रांसमिशन क्या है? इलेक्ट्रोलाइट जब इम्बैलेंसेस होते हैं तो हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रोलाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए, तो उस कंडीशन में क्या होगी कि न्यूरोट्रांसमिशन सही से नहीं हो पाएगी, इन्फॉर्मेशन की ट्रांसमिशन सही से नहीं हो पाएगी। जितनी इलेक्ट्रोलाइट ब्रेन को चाहिए काम करने के लिए उतनी नहीं मिल पाएगी, तो उस कंडीशन में उसको झटके आएंगे, वो बेहोशी की हालत में रहेगी, ब्रेन सही से काम नहीं कर पाएगा जिसके कारण वो कोमा में भी जा सकती है या जा सकता है। तो लिथार्जी, कन्फ्यूजन, सीजर्स और स्टूपर, कोमा, ये सभी हाइपोनेट्रीमिया में हो सकते हैं। इन सभी के कारण हाइपोनेट्रीमिया हो जाएंगे, ठीक है। हाइपोनेट्रीमिया किसी पेशेंट में है तो ये सभी आपको सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद है कि पेशेंट को हेडेक होगा। अब हेडेक क्यों होगा? क्योंकि हेडेक इसलिए होगा क्योंकि जो सेल है उसमें फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया है, ठीक है। एक्यूमुलेशन हो गया है फ्लूइड इम्बैलेंस हो गया है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गई है, तो सेलुलर स्वेलिंग हो जाएगी, सेल्स में स्वेलिंग हो जाएगी और मेनली उसके सेरेब्रल एडिमा हो जाएगी, यानी कि ब्रेन में सेरेब्रल जो पार्ट है उसमें क्या होगी, उसमें फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगी। इसके कारण वहाँ पे फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट की जो बैलेंसेज है वो वहाँ पे खराब हो जाएगी, वो वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। उसके कारण क्या होगी? हेडेक होगी पेशेंट को और वो सीवियर हेडेक होगी। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम क्या क्या करेंगे? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले हम ब्लड का एनालिसिस करेंगे और दूसरा हम यूरिन का एनालिसिस करेंगे। अब ब्लड का जब हम एनालिसिस करेंगे तो हम क्या पाएंगे? सीरम का जो सोडियम है, या सीरम मीन्स ब्लड का जो सोडियम है वो 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो गया है। ब्लड में जो सोडियम है हाइपोनेट्रीमिया का केस है, तो क्या होगी? सोडियम का लेवल लो होना है, तो क्या होगी कि सोडियम ब्लड से 135
मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो गई है। नॉर्मल कितनी है? 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये नॉर्मल लेवल है ब्लड में सोडियम का, और इससे कम हो जाएगी। दूसरा क्या होगी ब्लड में, ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी है यानी कि जो ब्लड में आरबीसी है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि हाइपोनेट्रीमिया में इलेक्ट्रोलाइट की इम्बैलेंसेज होगी जिसके कारण बॉडी में फ्लूइड की भी इम्बैलेंस होगी, उसके कारण सीरम की ऑस्मोलैरिटी जो है वो कम हो जाएगी। यूरिन एनालिसिस में हम क्या देखेंगे, यूरिन एनालिसिस में हम देखेंगे यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि यूरिन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाएगी, और दूसरा यूरिन में जो सोडियम है वो 100 मिली इक्विवेलेंट 24 आवर में निकलनी चाहिए यूरिन से सोडियम, लेकिन उससे वो ज्यादा निकलेगी क्योंकि हाइपोनेट्रीमिया हो गई है, यूरिन में सोडियम ज़्यादा आएगी। इसका मतलब है कि जो किडनी है वो इलेक्ट्रोलाइट को पास कर दे रही है और बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो गई है, इसके कारण हाइपोनेट्रीमिया के कंडीशन हो गए हैं। हाइपोनेट्रीमिया का मैनेजमेंट हम किस टाइप से करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर पेशेंट को कैंसर की बीमारी है तो हम रेडिएशन थेरेपी या फिर कीमोथेरेपी या फिर सर्जरी करके उसके ट्यूमर को, उसके कैंसर के ट्यूमर को बॉडी से रिमूव कर देंगे ताकि सोडियम की जो इम्बैलेंसेज है बॉडी में वो सही हो जाए। अगर पेशेंट माइल्ड और क्रोनिक हाइपोनेट्रीमिया से बहुत लंबे समय से उसके बॉडी में ये चीज़ें हो रही हैं, माइल्ड और क्रोनिक हाइपोनेट्रीमिया से वो ग्रसित है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को हम ट्रीटमेंट नहीं देंगे बल्कि उसके लाइफस्टाइल को, उसके डाइट को और कुछ मेडिकेशंस को सही करने के लिए बोलेंगे, उससे माइल्ड क्रोनिक हाइपोनेट्रीमिया ठीक हो जाएगी। अगर सीवियर और एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया है पेशेंट में तो हम क्या करेंगे, तो हम एडमिनिस्टर्ड करेंगे फ्लूइड को। अब फ्लूइड को किस तरह से एडमिनिस्टर्ड करेंगे, हम उसके वेंस में देंगे यानी कि इंट्रावेनसली हम उसको फ्लूइड देंगे। अब वो फ्लूइड के कारण क्या होगी कि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट देंगे, अगर फ्लूइड का इंबैलेंस है तो हम फ्लूइड देंगे, इलेक्ट्रोलाइट का इंबैलेंस है तो हम इलेक्ट्रोलाइट देंगे, ठीक है, यहाँ पे एडमिनिस्टर्ड करेंगे इंट्रावेनसली। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सलाइन सोडियम देंगे, सलाइन सोडियम में हम कौन से टाइप देंगे, हम आइसोटोनिक देंगे 0.9% और हाइपरटोनिक देंगे 3%। अब ये भी डिपेंड करती है सीवियरिटी कितनी है हाइपोनेट्रीमिया की, ठीक है। उसके बाद पेशेंट में अगर फ्लूइड ओवरलोड हो गई है तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को हम फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन कर देंगे यानी कि 500 से 1000 ml पर डे हम उसको फ्लूइड नहीं देंगे, उतना हम रेस्ट्रिक्शन में रखेंगे, ठीक है। उसके आउटपुट और इनपुट और आउटपुट को हम मॉनिटर करेंगे, उसकी वेट हम डेली लेंगे कि फ्लूइड और फ्लाइट का जो बैलेंस है वो बॉडी में है या नहीं है। स्टेरॉइड्स हम उसको देंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे। स्टेरॉइड्स क्यों प्रिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हाइपोनेट्रीमिया में क्या होगी, हेडेक होगी, और वो किस कारण है, सेरेब्रल के जो सेरेब्रल में स्वेलिंग के कारण होती है, तो इंट्राक्रेनियल स्वेलिंग उससे क्या होगी, उससे उसकी इंट्राक्रेनियल स्वेलिंग रिड्यूस होगी जिसके कारण हेडेक कम होगा। और हार्ट फेलियर का अगर कंडीशन है पेशेंट में तो हम उसको ACE इनहिबिटर देंगे। ACE क्या है, ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, जो कि इसके देने से कि क्या करती है, डायलेट कर देती है ब्लड वेसल्स को, जिसके कारण बीपी अगर पेशेंट में लो है हाइपोनेट्रीमिया के कारण तो बीपी उसकी हाई हो जाएगी। और उसके साथ हम लूप डायूरेटिक्स देंगे ताकि फ्लूइड का अगर एक्युमुलेशन है बॉडी में, फ्लूइड अगर ओवरलोड है तो फ्लूइड बॉडी से बाहर निकल जाए। इस तरह से हम हाइपोनेट्रीमिया का मैनेजमेंट करेंगे। हाइपोनेट्रीमिया का प्रिवेंशन हम किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हमें एडिक्वेट अमाउंट में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स को इनटेक करना है, ना ज़्यादा करना है ना कम करना है। प्रॉपर डाइट हमें फॉलो करनी है, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करनी है, और कुछ मेडिकेशंस होती हैं जैसे हेडेक की मेडिकेशंस हो गई, इन्फ्लामेशन की मेडिकेशंस हो गई, इन्फ्लामेशन मीन्स स्वेलिंग की मेडिकेशंस हो गई या फिर पेन की मेडिकेशंस हो गई, उसको बहुत सारे लोग नॉर्मली बहुत ज़्यादा यूज़ कर जाते हैं जिसके कारण भी हमें इन कंडीशंस का सामना करना पड़ता है। तो ओवर यूज़ नहीं करेंगे हम मेडिकेशन का, रेगुलर चेकअप कराएंगे बॉडी में कि बॉडी में क्या क्या चीज़ों की कमी आ रही है। उसके बाद जो भी आपको सिम्टम्स होते हैं एबनॉर्मल, बॉडी में जो भी सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं उसको आपको इग्नोर नहीं करना है, और उस सिम्टम्स अगर आप में है तो फौरन आपको डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करना है, ठीक है। अब एडिक्वेट अमाउंट में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट लेने का क्या मतलब है, एडिक्वेट अमाउंट में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से लेते हैं, जैसे कि जो रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, उन्हें प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट लेने की ज़रूरत होती है। वो बहुत ज़्यादा कभी कभी ओवर यूज़ कर जाते हैं फ्लूइड का, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स ले लेते हैं, इसके कारण भी हाइपोनेट्रीमिया हो जाती है। तो इस तरह से हम प्रिवेंशन करेंगे हाइपोनेट्रीमिया का। अगले वीडियो में हम हाइपरनेट्रीमिया की बात करेंगे। इन सभी टॉपिक्स में से आपको कहीं भी अगर कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके बताएं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।